अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों में हम आपको आज दिखाएंगे कहां दूल्हा निकला गंजा तो लड़की ने वापस भेज दी बारात, कहां गीदड़ों को देख बाघ ने बदला अपना रास्ता और कैसे लड़की ने किया माउंट एवरेस्ट फतह। सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव की खबर, जहां एक दुल्हन ने अपनी बारात लौटा दी। इसके पीछे गजब का कारण निकला। दरअसल जयमाला के दौरान दुल्हन को पता चला कि दूल्हा असल में गंजा है और उसने सिर पर नकली बाल लगाए हुए हैं, यानी विग। इस बात से दुल्हन तुरंत सुलग गई, शादी से कर दिया साफ इनकार और फिर बारात को जाने के लिए कह दिया। ये पूरा मामला जनपद उन्नाव के सफीपुर का है। यहाँ दिल्ली से बारात आई थी। लड़की वालों ने बारात का जोरदार स्वागत किया। नाचते गाते बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंची। कुछ वक्त में जयमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ। रात करीब 10 बजे दूल्हा पंकज और दुल्हन स्टेज पर पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। स्टेज घूमने वाला था। कुछ देर तक स्टेज चारों तरफ घूमता रहा। इसके बाद दूल्हा दुल्हन स्टेज से उतरने लगे। तभी दूल्हा पंकज बेहोश होकर गिर पड़ा। दूल्हे के गिरने से वहाँ हड़कंप मच गया। तुरंत लड़का लड़की पक्ष के लोगों ने उसे उठाया और सोफे पर लेटाया, चेहरे पर पानी डाला। दुल्हन भी वहाँ खड़ी थी, वो भी घबरा गई। उसने दूल्हे के सिर पर हाथ फेरा तो विग निकल गई। बस यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया। अपने होने वाले पति को गंजा देखकर दुल्हन बिफर गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और शादी करने से मना कर दिया। लड़की के परिवार वालों ने भी पहली बार दूल्हे को बिना विग के देखा तो वो भी चौंक गए। दोनों के परिवार वाले दुल्हन को समझाने लगे, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं हुई। दुल्हन के पिता ने दूल्हे के पिता पर धोखा देने का आरोप लगाकर शादी से इनकार कर बारातियों को बंधक बना लिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया गया। दूल्हा पंकज बिना फेरों के बारात लेकर वापस लौट गया। बताया जा रहा है कि दूल्हे पक्ष ने लड़की वालों को 5,60,000 रुपए भी दिए। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। दूसरी अनोखी खबर है मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व की, जहां गीदड़ भभकी से डर गया जंगल का राजा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पेंच में एक बाघ चलकर आता है। सामने तो गीदड़ों को देखकर पहले रुकता है और कुछ पल के लिए गीदड़ों को देखता है। जब दो गीदड़ बाघ की तरफ देखकर चिल्लाते हैं तो बाघ कुछ ही सेकंड में उल्टे पैर वापस हो जाता है। ये वीडियो 21 मई का बताया जा रहा है। सफारी पर गए पर्यटकों ने इसे कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तीसरी अनोखी खबर है बंगाल के हुगली से, जहाँ की लड़की पियाली बसाक ने कर लिया है माउंट एवरेस्ट फतह। हुगली की बेटी पियाली ने बिना ऑक्सीजन के दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय के एवरेस्ट पर लहराया है तिरंगा। पिता की लंबी बीमारी के अलावा आर्थिक दिक्कतों की दोहरी मार भी इस लड़की के मजबूत इरादों को नहीं हिला पाई। पहले दुनिया की दूसरी सर्वोच्च शिखर धौलागिरी और फिर रविवार की सुबह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ाई करके उसने अपनी प्रतिभा और लगन का लोहा सारी दुनिया को मनवा दिया। एवरेस्ट पर चढ़ते ही उसने अपनी जीत का जश्न हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा लहराकर किया, और वो भी एवरेस्ट की दुर्गम चोटी पर उसने बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करके ये नायाब कारनामा करके दिखाया। आपको बता दें, इस पूरे एक्सपेडिशन में करीब 35 लाख का खर्चा होता है, लेकिन पियाली के पास 12 लाख रुपए कम थे। क्राउड फंडिंग से भी इतनी मदद नहीं हो पाई कि कुल रकम जमा हो जाए, लेकिन फिर पियाली की एजेंसी ने उनके लिए पे किया और एवरेस्ट पर जाने की परमिशन ली। फिर क्या था, पियाली रुकने वाली नहीं थी। कर लिया एवरेस्ट फतह, लहरा दिया तिरंगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।